नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। किसान के लिए पैदल मार्च निकालते वक्त प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं में काफी रोष देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कृषि कानून के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी बोले कि राष्ट्रपति से हमने कहा कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में सरकार का विरोध जारी है। अंबाला में सीएम मनोहर लाल का घेराव किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जिंद के उचाना में एक शादी समारोह में आना था, इससे पहले ही किसानों ने हेलीपैड खोद डाला। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्र मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि स्मृति ईरानी की शह पर उनके करीबियों ने केंद्र महिला आयोग के सदस्य पद का फर्जी लेटर जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी की शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का योगदान है, जिसे हमेशा राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी है। केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रमेश चित्रला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य विधानसभा में केंद्र के कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए कानून लाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ पहले कदम के रूप में प्रस्ताव लाने की गुजारिश की। और वहीं देहरादून के ठगों का नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार उनको कर लिया है। दरअसल 12 साल से फरार चल रहे धोखेधड़ी के आरोपी दंपत्ति को एसओजी और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। दंपत्ति ने सैकड़ों महिलाओं से लगभग 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। हरियाणा में अधिकारी बनकर घरों में लूट डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाला एक गिरोह के 4 बदमाश को पुलिस ने और टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों ने 2019 और 20 में डकैती व लूट की 6 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफिले पर हमला करने के मामले में पुलिस ने आधी रात को 13 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। हरिद्वार की एक कॉलोनी से रविवार को गायब हुई मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आ गया है। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी मामा और उसके भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और वहीं जयपुर शहर में सिंधी कैंप थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी बैंक खाता खुलवाकर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन और गाड़ी खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर बदमाश को भी गिरफ्तार किया। महोबा में साइकिल से कोचिंग जा रहे छात्रों के समूह को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया है। सड़क हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई है और 2 छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्रेटर नोएडा में हुई वकील की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज जारी है। इंदौर में सेल्फी के चक्कर में 12 साल की बच्ची की जान चली गई है। दरअसल बच्ची घर में कुर्सी पर खड़े होकर गले में फंदा लगाते हुए सेल्फी ले रही थी, इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने से कुर्सी खिसक गई। बटाला में प्रेमनगर के मल्ली मोहल्ला इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट संचालिका और आपत्तिजनक स्थिति में 5 लड़के और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में एक चलते टेम्पो में कुछ लड़कों ने बीएससी की छात्रा के साथ रेप किया है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। हरियाणा की 23 वर्षीय महिला खिलाड़ी ने कबड्डी कोच पर नौकरी दिलाने के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना में 0 FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ पुलिस को भेज दिया है। और वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 24,712 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना मामलों की संख्या 1,23,780 के आसपास पहुंच गई है। ब्रिटेन में भारत लौटी महिला के दिल्ली से भाग जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम सरकारी हलकों में हड़कंप मच गया है। काफी तलाश करने के बाद महिला विजयवाड़ा स्थित अपने घर से बरामद कर ली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कारण 312 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,46,756 हो गई है। और वहीं कर्नाटक सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य में 24 दिसंबर से लेकर नए साल की 2 तारीख तक रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया है। हमले में 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवंतीपोरा जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान अल बदर के 4 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जिनके पास से AK-47 और 28 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। एक्टर अनिल कपूर आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। अनिल कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने हर रोल में दर्शकों का दिल जीता है। इतना ही नहीं, अपने अफेयर को लेकर भी वो अक्सर चर्चा में रहे हैं। बिग बॉस 14 में हरियाणा की मशहूर टिकटॉक स्टार रही और अब भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने एंट्री ली है। इस रियलिटी शो में आते ही पति को याद करते हुए सोनाली फोगाट फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे। नमस्कार।